हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने आपको बॉडी फ्रॉक का ड्राफ्ट दिया था, आज मैं आपको न्यूज़पेपर पे कटिंग बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको लंबाई बताई थी बॉडी की 10 और चौड़ाई बताई थी 6.5। लंबाई 9 या 10 ले सकते हैं, 2 और 3 साल के बच्चे का ड्राफ्ट है। लंबाई हम 9 से 10 ले सकते हैं, 9 से 10 इंच तक। और ये मैंने लंबाई 9 और 10 के बीच में ले ली है और चौड़ाई 6.5 है। ये मैं आपको आगे और पीछे वाला इकट्ठा बताऊंगी। जैसे 6.5 13 हो गया ना, सिंगल 13 प्लस 1 14 सिलाई है और 1 इंच बटन टेप का, 15 इंच हो गया। और 15 का डबल कितना हो गया? 30 इंच। ये हमने 30 इंच ले लेना है, 30 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है जो मैं कटिंग कर रही हूँ। अखबार इतना चौड़ाई में नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा जोड़ डाला है आपको समझाने के लिए। ये हो गया 30 इंच और इसको हमने डबल कर देना है। और ये हो गई हमारी 2 इंच जो बटन टेप का लिया था ना, ये बटन टेप हो गई। और ये हमारा आगे और पीछे वाला बॉडी का पीस हो गया, ठीक है। ये देखो चौड़ाई 7 इंच निकल आई, 13 13 प्लस 1 इंच 14 हो गया ना, 7 इंच चौड़ाई निकल आई। और मैंने 1 इंच बटन टेप का लिया था, 1 इंच बटन टेप आगे हो गई और 1 पीछे हो गई। ये 2 इंच बटन टेप का हो गया पीछे वाला पीस और ये आगे वाला पीस भी निकला है। ये संज है डबल और ये ओपन है, ठीक है। और अब हम ओपन वाली साइड से तीरा लेंगे। तीरे की चौड़ाई छाती का 1/4 4.5 इंच। तीरा हम 4.5 ले लेंगे और मोड़े की लंबाई भी हम 4.5 लेंगे। जहाँ तक आ गया, ये हमने स्केल से लाइन लगा लेनी है, ठीक है। और अब हम गला लेंगे। गले की चौड़ाई है छाती का 1/9 2 इंच और लंबाई है छाती का 1/6 3 इंच। चौड़ाई 2 इंच और लंबाई आगे वाले गले की 3 इंच है और पीछे वाले गले की हम 1 या 1/2 इंच लेंगे, ठीक है। ये हमारी गुलाई हो गई पीछे वाली और ये हमारी आगे वाली गुलाई हो गई, ठीक है। और अब हम तीरे की शेप देंगे 1/2 इंच। ये देखो तीरे की शेप मैंने लिखा हुआ है ड्राफ्ट में, 1/2 इंच तीरे की शेप लेंगे। ये हमने 1/2 इंच ले लिया और इसको हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो बाकी बच जाती है ना लाइन, जैसे 4 इंच बच गई, इसका हाफ ले लिया, ठीक है। और ये हमने मोड़े की गुलाई डाल देनी है, ये वाली बैक वाली हो गई। और ये 1/2 इंच लेके अंदर की ओर इसको हमने तिरछा मिलाना है और ये वाली हमारी आगे वाली गुलाई हो गई, ठीक है। ये हमारी आगे वाली गुलाई हो गई और इस यहाँ हम कमर की शेप लेंगे 1/2 इंच। यहाँ हम कमर की शेप 1/2 इंच लेंगे। देखो समझ लग गई? ये देखो ये हमारा बॉडी का ड्राफ्ट है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। ये पीछे वाला गला हो गया और ये ऐसे तीरे की शेप हो गई कटिंग। और ये हमारी हो गई मोड़े की कटिंग, ये हमारी मोड़े की कटिंग हो गई और ये हमारी कमर की कटिंग हो गई, ठीक है। और ये हमारे अलग अलग हो गए ना पीस। ये देखो ये आगे वाला निकल आया और ये हमारे पीछे वाले निकल आए, ऐसे करके ये इसको ऐसे बटन टेप हो जाती है, ठीक है। ये देखो ऐसे हम ये वाले जहाँ हुक्स वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, जहाँ हम हुक्स वगैरह लगा देते हैं, हुक्स लगा लो, काज बटन लगा लो, ठीक है। ये वाला हमारा पीछे वाला पीस हो गया और ये जो आगे वाला पीस है इसमें हम आगे वाला गला काटेंगे।
ये आगे वाला गला हो गया और ये आगे वाली मोढ़े की कटिंग हो गई। ये देखो ये हमारी आगे वाला ये पीस हो गया, ठीक है, ये पीछे वाला पीस और ये आगे वाला पीस, ठीक है। ये हमारी हो गई आगे वाली बॉडी और ये हमारी हो गई पीछे वाली बॉडी। और अब हम, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो घेर होता है ना, ये वाला बॉडी की चौड़ाई का दुगना होता है, हम ज्यादा भी ले सकते हैं, उतनी चुंटे ज्यादा पड़ जाएंगी। मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है, ये बॉडी की चौड़ाई का डबल है, ठीक है। और ये मैंने जहाँ चुंटे ऐसे करके डाल के ना, ऐसे चुंटे डाल के ये वाली, ये देखो जहाँ जुड़ जाएगी आपस में, यहाँ ऐसे करके जुड़ जाएगी। ये देखो ये हो गई हमारी फ्रंट वाली और ऐसे ही हमारी, ये देखो ये हमारी फ्रंट के साथ जुड़ जाएगी, ऐसे करके हम कपड़े पे जोड़ेंगे ना तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी फ्रंट वाली हो गई और ये हमारी बैक वाली हो गई। ये देखो ऐसे करके, ये हमारी ऐसे चुंटे डालकर ये हमारी बैक वाली हो गई। ये देखो ठीक है, ऐसे चुंटे डाल के ये हमारी बैक वाला हिस्सा हो गया और ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हो गया। अगर आपने, ये मैंने इकट्ठी बाड़ी काटनी सिखाई है, अगर आपने अलग अलग भी सीखनी हो ना तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप बताना, तो मैं आपको अलग अलग काटना भी बता दूंगी। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी, और यदि आपने कुछ और भी पूछना है फ्रॉक के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।